राजीव सातव जी, अमित चावड़ा जी, आनंद चौधरी जी, पुना जी कामित जी, सुनील कामित जी, बिला भाई जी, शैलेश परमार जी, हमारे कैंडिडेट्स तुषार चौधरी जी, धर्मेश पटेल जी, अशोक अदेवाडा जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप सब आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये देखो भैया, नया नारा चला है। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे, और गुजरात ने 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए दी। छोटा काम नहीं किया, 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दी। और प्रधानमंत्री ने कहा, गुजरात की जनता से कहा, आदिवासियों से कहा, युवाओं से कहा, माताओं बहनों से कहा, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे 26 सीटें दो, मगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे चौकीदार बनना है। अच्छा, यहां जो किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसान के घर में चौकीदार दिखता है? जो यहां बेरोजगार युवा आए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार दिखता है ना? चौकीदार तो अनिल अंबानी के घर के सामने दिखाई देता है, चौकीदार तो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके घर के सामने दिखाई देता है। सही बात है ना? तो चौकीदार ने आपसे यह नहीं बताया वो किसकी चौकीदारी करने जा रहे थे। ये देखो, और आपकी जो जमीन है, अब देखिए, राफेल मामले में चोरी तो की, पूरा देश जानता है कि एयरफोर्स से नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे बताया कि 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदो, हिंदुस्तान में मत बनाओ, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मत दिलवाओ, फ्रांस में हवाई जहाज बनवाओ, मगर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बात बोली। मगर नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में तो छोटी चोरी की है, 30,000 करोड़ रुपए छोटी चोरी है उनके लिए। सबसे बड़ी चोरी नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के, गुजरात के किसानों से की है। माताओं बहनों से केरोसिन की जो सब्सिडी होती थी वो छीनी है। आपसे कहा कि गैस सिलेंडर आपको दूंगा, और माताओं बहनों से गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे लेते हैं। किसानों से कहा, मैं आपको बताता हूं चोरी कैसे की। सबसे पहले आपसे कहा कि देखो मैं कर्जा माफ करूंगा, हुआ कर्जा माफ? अब देखिए, कर्नाटक में कर्जा माफ हुआ। मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर पूछा, बताओ भैया कितने रुपए दिए आपने कर्नाटक के किसान को? झट जवाब मिला, 11,000 करोड़ रुपए सरकार ने कर्नाटक के किसान को दिए। मतलब आपका कर्जा माफ नहीं किया, मतलब 10-15 हजार करोड़ रुपए आपसे उन्होंने चोरी किए। उसके बाद आपसे कहते हैं कि देखिए आपका नुकसान होता है, आपको बीमा की जरूरत है, इंश्योरेंस की जरूरत है।
हिंदुस्तान का पूरा इंश्योरेंस का ढांचा उन्होंने उन्हीं 15 उद्योगपतियों को दिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट दिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं मगर आपको यह नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर का पूरा बीमा का बिजनेस अनिल अंबानी को दे दिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पकड़ा दिए, ये लो भैया अंबानी जी, ये लो 15-20 डिस्ट्रिक्ट, अदानी जी ये लो आप 10-15 डिस्ट्रिक्ट लो, मालिया जी आप थोड़े से लो, नीरव मोदी जी आप लो, सबको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पकड़ा दिए। नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, आपके जेब में से पैसा निकलता है और फिर जब आपको पैसे देने का समय आता है आपसे कहते भैया आपको पैसा नहीं देंगे, वो तो 10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के 15 लोगों को हमने दे दिया, पहले दे दिया, अब आपको बीमा का पैसा नहीं मिलने वाला, आपसे बोनस चोरी किया, एमएसपी नहीं देते आपको, सही दाम नहीं देते। और अभी मैंने सिर्फ किसानों की बात की, अभी मैंने नोटबंदी की बात तो शुरू ही नहीं की, गब्बर सिंह टैक्स की बात शुरू ही नहीं की, जहां उन्होंने करोड़ों युवाओं से रोजगार छीना, छोटे दुकानदारों से उनका उनकी जिंदगी छीनी। तो हमने निर्णय लिया है, देखिए किसानों के लिए हम दो काम, जैसे ही चुनाव जीतेंगे दो काम हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब की बात तो बताइए आपको, 2 दिन के अंदर हमने इन स्टेट्स में कर्जा माफ किया। और मैंने आपसे वायदा किया था, और मैं वायदा नहीं तोड़ता हूं, मैंने वायदा किया था गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाओ 10 दिन में हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे। वो थोड़ी कमी रह गई, कहना पड़ रहा है थोड़ी कमी रह गई, गुजरात में आपने पूरी कोशिश की, थोड़ी सी कमी रह गई, सरकार नहीं बनी। मगर मैं किसानों को बताना चाहता हूं 2019 में हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। हर साल हिंदुस्तान का बजट बनता है, उसमें सरकार पैसा कहां डालेगी पूरा का पूरा देश को बताया जाता है। इस साल हमने निर्णय लिया है कि एक बजट नहीं बनेगा, 2 बजट बनेंगे, एक बजट नेशनल बजट होगा, दूसरा बजट स्पेशल किसान का बजट होगा। उसमें साल की शुरुआत में ही आपको बता दिया जाएगा एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी, आंधी आएगा तूफान आएगा तो आपका इतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगाएंगे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, इतना आपका कर्जा माफ होगा, पूरा का पूरा आपको शुरुआत में ही, साल के शुरुआत में ही पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम किसान को मैसेज देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान को किसान की कोई जरूरत नहीं, हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान किसान के बिना चल ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता है। और हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर उनका कर्जा माफ होगा 3,50,000 करोड़ रुपए, अगर सबसे बड़े लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का भी कर्जा माफ किया जा सकता है। एक छोटा सा सवाल, जो यहां किसान आए, आप अखबार पढ़ते हो आपने देखा होगा अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक का पैसा लिया, वापस नहीं दिया। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो चोर हैं, बैंक से इन्होंने पैसा लिया वापस नहीं दिया, ये जेल नहीं गए, मगर जब गुजरात का किसान जिसने देश को सफेद क्रांति दी, हरी क्रांति दी, जब गुजरात का किसान 20,000 रुपए का बैंक लोन लेता है और वापस नहीं दे पाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, क्या यह आपको न्याय लगता है? क्या यह आपको ठीक लगता है कि अनिल अंबानी जेल से बाहर बैठे और हिंदुस्तान का किसान, गुजरात का किसान 20,000 रुपए के लिए अंदर हो जाए, जेल में अंदर हो जाए? सही लगता है आपको? मुझे भी सही नहीं लगता है, यह अन्याय है। और इसीलिए हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, हमारा मैनिफेस्टो न्याय का मैनिफेस्टो है, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 2019 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी
हम कानून बदल देंगे, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, गुजरात का कोई भी किसान बैंक लोन लेने के बाद अगर पैसा नहीं लौटाएगा उसे जेल में नहीं डाला जा सकेगा। कर लो जो करना है मोदी जी, मगर कर्जे के लिए हिंदुस्तान का कोई भी किसान जेल में नहीं जाएगा। आप उनकी चौकीदारी करोगे, हम इनकी रक्षा करेंगे। आपने अपने मन बना लिया है कि आप अनिल अंबानी के चौकीदार हो, मेहुल चौकसी के चौकीदार हो, नीरव मोदी के चौकीदार हो, तो मैंने भी मन बना लिया है मैं किसानों का हूं। आ जाओ मैदान में, लड़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन जीतेगा। अनिल अंबानी जीतेगा या हिंदुस्तान का किसान जीतेगा, पता लग जाएगा आपको। दो मिनट में हिंदुस्तान के किसान की शक्ति पता लग जाएगी, समझ आ जाएगी। और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हमने एक और उपाय निकाला है, और उसको हमने न्याय योजना नाम दिया है, न्याय योजना। मजेदार बात है, अब सुनिए। और ये जो माताएं बहने आई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को दिया, मगर आपसे झूठा वायदा किया था 15 लाख रुपए दूंगा, याद है? चौकीदार बनाओ 15 लाख बैंक अकाउंट में, चौकीदार बनाओ 15 लाख बैंक अकाउंट में, दो मिनट में। 56 इंच की छाती है, मैं करके दिखा दूंगा। पता लगा 8 बजे रात को चौकीदार कहता है, भाई और बहनों, मित्रों, ये 500 रुपए का नोट है, ये 1000 रुपए का नोट है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इससे काला धन इतनी जल्दी से बदला नहीं जा सकता, मुझे 2000 रुपए का नोट चाहिए, तो मैं इसको रद्द करने जा रहा हूं, मैं गुलाबी वाला 2000 रुपए वाला नोट बनाऊंगा, उससे अदानी का पैसा, अंबानी का पैसा आसानी से बदला जाएगा, तुम्हारा पैसा मैं ले रहा हूं। और आपको लाइन में खड़ा कर दिया, 500 रुपए 1000 रुपए आपकी जेब से निकाल दिए। कहां 15 लाख देने के बाद की कहां 500 रुपए 1000 रुपए का नोट ले लिया आपसे। अच्छा भाई और बहनों, लाइन में आपने अनिल अंबानी को खड़ा देखा? लाइन में चोर खड़े थे ना, लाइन में ईमानदार आदिवासी, ईमानदार किसान, ईमानदार युवा। तो 15 लाख का झूठ बोला ना उन्होंने। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से पूछा, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, आप मुझे अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हो, इकोनॉमी के बारे में बोलते हो, ग्रोथ के बारे में बोलते हो, मुझे एक बात समझाओ, आप विद्वान लोग हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए बोला था ना, ये झूठ था, मुझे सच्चाई बताओ। मैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी अगर पैसा डालना चाहे तो कितने रुपए डाल सकती है। मुझे कहते हैं ये आपने क्या पूछ लिया, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप एक नंबर दो, मुझे थ्योरी नहीं सुननी, लंबे भाषण नहीं सुनने, मुझे आप वो नंबर दो जो मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में बिना इकोनॉमी को, बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए डाल दूं। अभी बताने की जरूरत नहीं है, वापस जाओ काम करो, दुनिया के इकोनॉमिस्ट से पूछो, सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट से जाके पूछो, मगर मुझे एक कागज पे नंबर लिख के दे दो, 3-4 महीने बाद वापस आए मेरे ऑफिस में, सफेद कागज पे नंबर लिख दिया, 72,000। ये बड़े चालू होते हैं, मैंने उनसे कहा ये 72,000 कितने समय में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 72,000 कितने समय में, कहते हैं 72,000 रुपए एक साल में। मैंने कहा 72,000 रुपए एक साल में कितने लोगों को, 15 लोगों को तो नहीं ना, कहते नहीं। मैंने कहा कितने लोगों को, कहते 5 करोड़ लोगों को, कहते 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को। मैंने कहा हां भाई, अब काम की बात कही आपने, 25 करोड़ लोगों को साल के 72,000 रुपए, 5 साल में 360,000 रुपए, यह है सच्चाई, 15 लाख है झूठ। तो यहां जो किसान आए हैं, यहां जो मजदूर आए हैं, आदिवासी, दलित,
बेरोजगार युवा आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को दिया ना 45,000 करोड़ रुपए, 20% हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, सीधा बैंक अकाउंट में। हर महीने आप अपने बैंक अकाउंट को देखोगे, हर महीने उसमें खटक से, जैसे मोबाइल फोन बचता है खटक से, वहां पे पैसा आएगा। साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000, यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक, धड़ाक से। हमने मन मना लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, किसानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, बेरोजगार युवाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, दुकानदारों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 72,000 गरीबी पे वार, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने वहां पे मध्य प्रदेश राजस्थान में कहा, भैया 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं यहां आपसे रिश्ता बनाने आया हूं, लंबा रिश्ता है, मैं आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं, 3-4 महीने का काम करने नहीं आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके बता रहा हूं। गुस्सा आया हुआ मुझे थोड़ा, अनिल अंबानी को उसने 45,000 करोड़ रुपए दिए, जो उसने अनिल अंबानी को दिए हैं मैं आपको देने वाला हूं, और इससे होगा क्या मैं बताता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो आपसे पैसा छीन के निकाला, एक तो अनिल अंबानी की जेब में डाला, विजय माल्या इन लोगों की जेब में डाला, उन्होंने यह पैसा हिंदुस्तान से दूसरे देशों में ले लिया, पूरा का पूरा पैसा जो नरेंद्र मोदी जी ने काले धन से लड़ाई करने की बात की थी, पूरा का पूरा पैसा ये उठा के ले गए। आपने आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपने अपने जेब से पैसा डाला, वो सीधा अनिल अंबानी की जेब में गया, नीरव मोदी की जेब में गया, लंदन गया, एयरफोर्स से पैसा लिया, राफेल चौकीदार चोर, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके जेब से पैसा निकला, जैसे आपके जेब से पैसा निकला, गुजरात के गांव से पैसा निकला, सूरत से पैसा निकला, शहरों से पैसा निकला, आपने माल खरीदना बंद कर लिया, आपने शर्ट पैंट घड़ी मोबाइल फोन सब कुछ खरीदना बंद कर लिया। जैसे आपने खरीदना बंद किया, वैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी शुरू हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में, 27,000 युवाओं से 24 घंटे में 27,000 युवाओं से रोजगार चोरी करता है नरेंद्र मोदी, चौकीदार चोरी करता है। अब न्याय योजना का पैसा आएगा, डायरेक्ट आपकी जेब में जाएगा। अच्छा एक बात, यहां पे बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, आप मुझसे गुस्सा मत होना, मगर जो पैसा जाएगा न्याय योजना का, ये हमारी माताएं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा, बाद में मत बोलना, मैं इनके बैंक अकाउंट में डाल रहा हूं, सीधा इनके बैंक अकाउंट में जाएगा। मगर जब इनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, टूथपेस्ट खरीदेगा, टूथब्रश खरीदेगा, शर्ट पैंट मोबाइल फोन, जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सिंपल सा सिस्टम है। तो न्याय योजना सिर्फ आपके जेब में पैसा नहीं डालेगी, न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर देगी। जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना, उसमें पेट्रोल डालते ही चाबी घुमाते ही इंजन स्टार्ट होता है, वैसे ही न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में पेट्रोल डालेगी, चाबी घुमाएंगे, धड़ाक से स्टार्ट हो जाएगा। मगर स्टार्ट कौन करेगा, स्टार्ट हिंदुस्तान के गरीब लोग करेंगे, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे। जीएसटी की बात करता हूं, आपने पूछा सवाल, तो यहां पे बहुत सारे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस, मैं बताता हूं, 2 मिनट में बताता हूं। नरेंद्र मोदी गब्बर सिंह टैक्स लाए, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स किसानों को टैक्स देना पड़ता था, छोटे दुकानदारों को, सबको टैक्स देना पड़ता है। 2019 में हमारी सरकार आएगी, हमने प्लानिंग कर दी है भैया, आंकड़े निकाल लिए हैं,
2019 में हमारी सरकार आएगी, हम आपको 6 महीने के अंदर गब्बर सिंह टैक्स हटा के जीएसटी दे देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा 28%, नहीं कम से कम टैक्स होगा। और ये आपको हर महीने फॉर्म भरने पड़ती है, आपको नहीं भरने पड़ेंगी। और ये जो आपके पास रिश्वत लेने लोग आते हैं, ये नहीं आ पाएंगे, खत्म कहानी। भैया पेट्रो, अच्छा मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना। 5 साल नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का क्या किया? पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं, हमारे टाइम $140 प्रति बैरल, अब $70 प्रति बैरल। और भैया पहले देखो, सबसे पहले क्या हो, मैं तो बोलूंगा, मैंने आपसे बोला देखो, मैं चौकीदार नहीं हूं किसी का, मैं किसानों का आदमी हूं, मैं मजदूरों का आदमी हूं, छोटे दुकानदारों का आदमी हूं, जो भी कमजोर है मैं उसका आदमी हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। और मैं ये जो है ना चौकीदार के मित्र अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, इनके जेब से पैसा निकाल के आपके जेब में डालने वाला हूं। ये मेरी मार्केटिंग नहीं करते, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप टीवी देखो, अखबार पढ़ो, ये पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं। मीडिया वालों से पूछो, ये देखो हंस रहे हैं, ये हाथ ऐसे हाथ हिला रहे हैं, देखो मीडिया वाले ऐसे कर रहा है। अरे भैया इनको लिखने नहीं देते हैं, इनके मालिक लिखने नहीं देते हैं। ये मुझे आके कहते हैं भैया आप हमें बचाओ, नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग हो रही है, पूरा पैसा नरेंद्र मोदी गरीबों से छीनता है, अनिल अंबानी जैसे लोगों को देता है, वो इनकी मार्केटिंग करते हैं। ये गुब्बारा हम फोड़ने जा रहे हैं 2019 में, और आप लोग फोड़ोगे, न्याय योजना का हम लाएंगे, और जो गरीबों के लिए होना चाहिए वो होगा। अच्छा आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए यहां हमारे आदिवासी भाई आए हैं, हम आपके लिए पैसा कानून लाए थे, आदिवासी बिल लाए थे, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, जल जमीन जंगल की रक्षा करने के लिए हमारा काम है, आपका जल, आपका जमीन और आपका जो जंगल, उसकी रक्षा करना हमारा काम है, हम करके दिखाएंगे आपको। अच्छा एक और सवाल, बीजेपी ने आपको जल नहीं दिया, जंगल नहीं दिया, जमीन नहीं दी, मगर हर 6-7 महीने आपको एक नया नाम क्यों देते हैं? अलग अलग नाम देते रहते हैं आपको, हाँ? तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गरीबों की, कमजोर लोगों की, छोटे दुकानदारों की, बेरोजगार युवाओं की सरकार बनाएगी। और जो यहां बेरोजगार युवा आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, फेल, जीरो। 27,000 युवाओं को 24 घंटे में अपना रोजगार खोना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। मैं आपसे 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई बता दूंगा, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, उनको मैं भर के दिलवा दूंगा साल के अंदर, एक साल के अंदर। और 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा के दिखा दूंगा। मगर मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, झूठ सुनना है तो चौकीदार जी के यहां जाइए, एक बार एक झूठ सुन लो, 2 करोड़ युवाओं को, 15 लाख जो भी सुनना है सुन लो, मगर सच्चाई सुननी है, काम की बात करनी है, यहां आ जाओ, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, हमारे कैंडिडेट्स को जिताओ, और काम करना शुरू करने दो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर इतनी गर्मी में आप आए इसके लिए दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।